नमस्ते, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं दी ललनटॉप। 30 जनवरी 2019 का दिन था, महात्मा गांधी की बरसी होती है इस तारीख को। इस बार कुछ खास हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के दांडी में थे, वहाँ नेशनल साल्ट सत्याग्रह मेमोरियल यानी राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह मेमोरियल का उद्घाटन किया। इंडिया टुडे पत्रिका के ताज़ा अंक में उदय माहुरकर की उस मेमोरियल पर बड़ी कवरेज है। इसमें से कुछ खास जानकारियाँ हम आपको यहाँ दे रहे हैं। तो सबसे पहले नमक सत्याग्रह की कहानी। साल 1930 अंग्रेज़ों का ज़माना था। अंग्रेज़ आग पानी सेवे किए हुए थे। भारत में नमक बनाने और उसको बेचने पर मनमाना टैक्स लगा रखा था। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्लान बनाया। मार्च महीने की 12 तारीख को गांधी ने 80 लोगों को अपने साथ लिया। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल मार्च शुरू किया। गुजरात के समुद्र तट पर यह गांव बसा हुआ है। 24 दिन 241 मील की दूरी। इस दूरी और इन दिनों में इनके साथ हजारों लोग जुड़े। 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के किनारे गांधी ने एक मुट्ठी नमक उठाया। इस काम ने अंग्रेज़ों को इतनी तगड़ी चोट दी कि हज़ार बातें उतनी चोट नहीं दे पाती। ये सिर्फ नमक आंदोलन नहीं था बल्कि आगे देश आज़ाद कराने के लिए एक संदेश भी था, ताकि लोगों को इस बड़े लक्ष्य के लिए एकजुट किया जा सके। स्मारक का आइडिया किसका था? इस स्मारक का आइडिया गांधी जी के प्रपौत्र तुषार गांधी का था। ये 2005 की बात है। उनका मन था कि जैसे अमेरिका के वाशिंगटन में वियतनाम वेटरन मेमोरियल है, वैसे ही अपने यहाँ उन 80 दांडी यात्रियों का कोई स्मारक हो। उन्होंने अपना आइडिया तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक पहुँचाया। मनमोहन सिंह को पसंद आया तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गांधी को उच्च स्तरीय दांडी स्मारक समिति का अध्यक्ष बना दिया। ये पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और महात्मा गांधी के पोते हैं। इनके साथ सुदर्शन एंगर को भी इस समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया। ये गुजरात विद्यापीठ के पूर्व कुलपति हैं। 1920 में अहमदाबाद में गांधी के हाथों इस विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। तो अब ये तो हो गए मुख्य आदमी। 2010 में गोपाल कृष्ण गांधी ने इस्तीफा दे दिया तो अयंगर अध्यक्ष बन गए। तो ये 2005 का आइडिया 2019 में साकार हो रहा है। इसका मतलब कि इस स्मारक की यात्रा सीधी और आसान नहीं रही है। पिछली सरकार की तरफ से फंड दिया नहीं जा रहा था और मामला लेट हो रहा था, लेकिन अयंगर की लीडरशिप में समिति इसे बनवाने पर अड़ी हुई थी। 2010 में IIT बॉम्बे से कीर्ति त्रिवेदी और सेतु दास को लाया गया सलाहकार के रूप में। 2013 तक रूपरेखा और योजना पूरी तैयार हो गई थी, लेकिन सपना साकार होता अब भी नहीं दिख रहा था। सरकार बदली तो नई सरकार ने इस योजना में रुचि दिखाई, फिर चीज़ें स्पीड पकड़ने लगी। केंद्रीय लोक निर्माण और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यानी CPWD ने 20 महीने में स्मारक बना के खड़ा कर दिया। इस स्मारक में 80 लोगों की मूर्तियां लगी हैं जो दांडी मार्च के मुख्य लोग थे। मूर्तियां बनाने में 42 मूर्तिकार लगे, जिनमें से 9 मूर्तिकार अलग अलग देशों से आए थे। ये मूर्तियां सिलिकॉन ब्रांज की बनी हुई हैं। गांधी की मूर्ति 5 मीटर ऊँची है, जिसके हाथ में एक छड़ी है। 91 साल के मूर्तिकार सदाशिव साठे की ये आखिरी कृति होगी। 1954 में इन्होंने ही गांधी की पहली मूर्ति भी बनाई थी, जो दिल्ली के टाउन हॉल पार्क में लगी हुई है। 41 सोलर ट्री लगे हैं इसमें। हर सोलर ट्री में 12 पैनल लगे हैं। ये 182 किलोवाट बिजली पैदा करते हैं और ये बिजली गुजरात सरकार को बेची जाती है, जिससे स्मारक को हर महीने 1.5 लाख रुपये की आमदनी होती है। मेमोरियल के अंदर हीटरों से लैस नमक बनाने के 14 बर्तन लगे हुए हैं। इनमें समुद्र का पानी डालकर 1 मिनट में नमक बनाया जा सकता है। ये स्मारक 15 एकड़ में फैला है और इसके बीच में 14,000 वर्ग मीटर में एक कृत्रिम झील भी बनी हुई है। रिसर्च के लिए आने वालों के लिए यहाँ एक गेस्ट हाउस और एक लाइब्रेरी है। दीवारों पर उन लोगों के नाम लिखे हैं जो दांडी यात्रा में शुरू से आखिरी तक गांधी के साथ रहे। इन नामों में से 16 साल के विपुल ठक्कर का नाम भी है, जो कि काफ़ी दिलचस्प है। इनके अलावा ग्रैफिटी बनी हुई है। सत्याग्रह से जुड़ी हुई कहानियाँ इन भित्ति चित्रों के माध्यम से उकेरी गई हैं। इसमें एक अरुण टुकड़ी का नाम भी है, जो वॉलंटियर ग्रुप था और गांधी से पहले उन गांवों में पहुंच जाता था जहां गांधी आने वाले होते थे। उनको इस मार्च से संबंधित पूरी जानकारी ये अरुण टुकड़ी देती थी। एक भित्ति में सरदार पटेल की गिरफ्तारी दिखाई गई है। अंग्रेजों ने गांधी को धमकाने के लिए सस्ता सा स्टंट किया था। मेमोरियल के सामने सैफी बिला है। 2016 में इसको फोटोग्राफी संग्रहालय में बदला गया। ये इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि गांधी दांडी यात्रा के बाद 10 दिन इसमें रुके थे। ये बंगला दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय के प्रमुख रहे सैयदना ताहिर सैफुद्दीन वासी का था।
उस वक्त सैफुद्दीन ने गांधी को अपने यहाँ टिकाकर बहुत रिस्क वाला काम किया था। 30 जनवरी को जब पीएम मोदी ने मेमोरियल का उद्घाटन किया तो गुजरात पर्यटन से अपील की कि वो रोज़ कम से कम 25 स्कूलों के स्टूडेंट्स को वहाँ लाने की व्यवस्था करें, उसको सुनिश्चित करें। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे और वीडियो देखने के लिए एंड्रॉयड के लिए हमारा ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।